morning, dear students. God bless you all. I hope you all are doing good at your home. Now today I'll teach you GK. So take out your GK book and open page number 33. Okay? First of all, write down here date and classwork. And today's date is 17/12/2020. And the chapter name is given here, I Have a Growth Mindset. Okay? Dear students, now you are growing. अभी आप क्या हो रहे हो? बड़े हो रहे हो. Okay? और everyone has their own mindset. और सबका क्या होता है? खुद का growth mindset होता है. आपके भी होंगे. Okay? The first growth mindset is given here. I can always improve. Read with me, dear students. I can always improve. Dear students, promise yourself that you will improve every day. अपने आप से हमेशा every day promise करो कि आप क्या करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे. लाइक स्टडीज में, लाइक आप प्लेइंग में भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो. लाइक आपकी कोई हॉबीज है तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो. द सेकेंड माइंड सेट ग्रोथ इज गिवन हियर, मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न. ओके, मिस्टेक्स हेल्प मी लर्न. डियर स्टूडेंट्स, Your mistakes help you to learn new things. जब आप mistakes करते हो तो इन mistakes से आप क्या करते हो? The third growth mindset is given here. I can learn anything that I want to. I can learn anything that I want to. डियर स्टूडेंट्स, यू कैन लर्न एनीथिंग. आप कुछ भी क्या कर सकते हो, कुछ भी लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो. लाइक आपको हॉबीज है रीडिंग का, प्लेइंग का, या आप कुकिंग करने का आप हॉबीज रखते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसे लर्न कर सकते हो. और आपको उसमें क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर आप इंटरेस्ट को जगाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो. ओके, आई एम इंस्पायर्ड बाय पीपल who succeed. Dear students, like आपके घर में बड़े भाई या बहन होंगे जो अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेस हासिल कर चुके होंगे, तो आप उनसे क्या कर सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो. लाइक उनकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो आप भी अपने बुक निकाल करके आप स्पेलिंग्स को लर्न करना सीखो, उनसे इंस्पायर्ड हो और उनकी तरह मतलब बनने की कोशिश करो. ओके, I like to challenge myself. Dear students, again, I like to challenge myself. Every day आपको new challenges लेने चाहिए अपने life में. Okay? कभी भी आपको नहीं give up नहीं करना है कि मतलब मुझसे ये काम नहीं हो पाया. जैसे मैम आपको homework देती है तो उसको आपको as a challenge accept करना है. आपको एक टाइम सेट करना है, आपको उसी टाइम में आपका होमवर्क या क्लास वर्क क्या करना है, कंप्लीट करना है. ओके, अपना लर्निंग पावर, अपनी एबिलिटी को क्या करना है, बढ़ाना है. लाइक लाइफ को चैलेंज के वे में लेना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, माई एफर्ट्स मेक ऑल द डिफरेंस. माई एफर्ट्स मेक ऑल द डिफरेंस. अगर आप किसी काम को पूरे एफर्ट के साथ में करते हो तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है. लाइक मैम आपको कुछ लर्न करने के लिए देती है तो एवरी डे आप लर्न करो. राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो आप एवरी डे वन पेज नीट एंड क्लीन वे में राइटिंग लिखना की कोशिश करो. अगर आप एफर्ट लगाओगे अपने स्टडीज में, अपने प्लेइंग में या अपने हॉबीज में, तो आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा. ओके, आई लर्न फ्रॉम अदर्स.
एवरी डे डियर स्टूडेंट्स, आप अपने फ्रेंड्स से भी है ना लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो उन्हें देख करके, उनके गुड हैबिट्स को अपने अंदर में क्या कर सकते हो वैसे सेम कर सकते हो. लाइक आपके भाई बहन अगर अच्छे स्टडीज में अच्छे हैं तो आप सेम उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हो. डियर स्टूडेंट्स, लर्न द ग्रोथ माइंडसेट एट योर होम, दिस इज योर क्लास वर्क. डियर स्टूडेंट, दिस ऑल आर ग्रोथ माइंडसेट. ओके, आपको इन ग्रोथ माइंडसेट को अपने लाइफ में भी क्या करना है, अप्लाई करना है. ओके, सो आपको क्या करना है, इन ग्रोथ माइंडसेट में जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको लर्न करना है. अगर आप लर्न नहीं कर पाते हो तो आप वीडियो का हेल्प ले सकते हो, या अपने मम्मा पापा का या ब्रदर सिस्टर का हेल्प ले सकते हो. ओके, लर्न एट योर होम.